यमुना के जल स्तर ने 45 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं और पानी सड़कों पर चढ़ गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि ये हाल हर साल होता है। सरकार की तरफ से राहत कैंप लगाए जाते हैं तो वहीं विपक्ष सरकार को कोसता है, लेकिन इसकी असली वजह कोई जानने की कोशिश नहीं करता है और ना ही समाधान की दिशा में कोई कदम बढ़ाए जाते हैं। ये बात भी सच है कि यमुना की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में 22 किलोमीटर के दायरे में फैली यमुना मैली ही होती चली जा रही है। यमुना में गाद जमा होने से उसकी गहराई कम होती जा रही है और जब बरसात के मौसम में बारिश होती है या हरियाणा के हथिनाकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर यमुना का पानी फैलकर आवासीय इलाकों में घुस जाता है तो हम उसको बाढ़ कहने लगते हैं, लेकिन इसकी असली वजह कोई जानना नहीं चाहता। हम सबको ये जानना जरूरी है कि जिन इलाकों को हम आज यमुना से बाढ़ प्रभावित बता रहे हैं वे सभी यमुना की पेटी में बसे अवैध इलाके हैं जिन्हें वोट बैंक की राजनीति ने बसने की छूट दी और यमुना सिमटती चली गई। पूरे दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की भरमार हो गई है जिसके कारण प्राकृतिक जल निकासी का सिस्टम गड़बड़ा गया है। ये शहर की भलाई के लिए भी गंभीर खतरा है और शहरी बाढ़ को भी खुला न्योता देता है।